आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। टी20 वर्ल्ड कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज यानी गुरुवार की शाम 7 बजे से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। हालांकि इस अहम मैच से पहले पाकिस्तान टीम से जुड़ी एक बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के 2 खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जो इस मेगा इवेंट में टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर शोएब मलिक इस समय पूरी तरह से फिट नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले इन दोनों खिलाड़ियों को सर्दी और बुखार की शिकायत दिखी है और यही कारण है कि इनका दूसरी सेमीफाइनल मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा है। अगर ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस नॉकआउट मैच में नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक पाकिस्तान टीम के लिए इस टी20 विश्व कप में मैच विनर बनकर उभरे हैं। दोनों दमदार फॉर्म में हैं। बल्ले से टीम को दोनों ही खिलाड़ियों ने योगदान दिया है और अगर सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच से पहले अगर ये खिलाड़ी फिट नहीं हैं और मुकाबला नहीं खेल पाते हैं टीम का संयोजन बिगड़ सकता है और टीम नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरने के लिए मजबूर होगी। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।